क्या बात है माँ? शेखर बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। माँ, आपको फिर कोई नया प्लान सोचा होगा। अरे तू सर्कस में जोकर था क्या, जो हमेशा मस्खरी करता रहता है? पहले बैठ गया। क्या है? बैठ ना। ओ, बोली। देख बेटा, लावण्या दिल्ली में है। आपको कैसे पता? वो तेरी दादी का फोन आया था बेटा। ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ, पर आप इतनी टेंशन में क्यों? लावण्या ठीक तो है ना? हाँ बेटा, लावण्या ठीक है, तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। ग्रेट माँ, ग्रेट न्यूज, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जाना? निखिल और मंदिर आंटी को बताने। मैंने तुझे बताया ना, अब सारे लोगों का ढिंढोरा पिटना जरूरी है क्या? देख मेरी बात ध्यान से सुन, अम्मा जी कह रही थी कि अगर लावण्या को पता चल गया कि उन्होंने हम लोगों को बता दिया है तो वो कुछ भी कर सकती है। क्या कर लेगी माँ? आप भी ना बस। क्या आप भी? तू लावण्या को नहीं जानता या मैं नहीं जानती? अगर उसने कहा है कि वो कुछ कर लेगी तो वाकई में वो कुछ कर लेगी बेटा। तो निखिल को जाकर बताने की कोई जरूरत नहीं। माँ लेकिन निखिल उसका पति है। मुझे पता है उसका पति है, निखिल को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही निखिल को पता चलेगा कि लावण्या दिल्ली में है, वो भागा भागा उसके पीछे चला जाएगा, चाहे कोई कितना भी रोके। और लावण्या इतनी खराब मूड में है ना कि वो कुछ भी कर सकती है। देख बेटा, अभी वो दिल्ली में है, वहां तेरे बाबा है, तेरी दादी है उसकी देखभाल करने के लिए। जब उसका मूड थोड़ा नॉर्मल होगा ना तो हम सब सारे लोगों को बता देंगे ना। तू ही सोच, अगर वो कल को नाराज होकर कहीं चली गई तो। देख बेटा, कुछ बातें अगर सबको ना पता चले तो ही अच्छा है। आप ठीक कह रही हैं माँ, कुछ बातें दुनिया से छुपी ही रहनी चाहिए। मैं यहां तुमसे डिवोर्स लेने आई हूं। एंड आई मीन इट, डिवोर्स। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए निखिल, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? साथ चलते चलते रास्ता बदल। लावण्या, इस तरह करे। सॉरी, भूल गई थी कि नाटक फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये मेरी मजबूरी है। तब तक मैं आंटी के सामने उनकी बहू बने रहने का नाटक करूंगी, लेकिन उनके पीछे नाटक मुझसे नहीं होगा। हो गई वो फिजा वो वादिया। मेरा मंगलसूत्र, तुमने कुछ ऐसे कहा ना? हाँ, मैंने यही कहा, लेकिन आंटी ने ही मुझसे मंगलसूत्र संभाल के रखने के लिए कहा था। बड़ी फूल वाले ने अच्छे फूल नहीं दिए आज। बोल दूंगा बीवी जी उसे। अच्छा काका जी, आपने राशन वाले को राशन लिखा दिया था? लिखा दिया था। शाम तक दे जाएगा ना? बिल्कुल दे जाएगा। चलो अच्छी बात है, ये टेंशन भी गई। और ये तानिया कहाँ? शेखर बाबा के रूम में है। वहाँ क्या कर रही है वो? कुछ ढूंढ रही है। आप प्लीज उसे बुलाइए ना। अभी बुलाता हूँ। अरे काका जी, आप रहने दीजिए ना, आंटी मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं तानिया को भेज देता हूँ। ठीक है बेटा। मुझसे कहने की हिम्मत नहीं होती? चलो कम से कम कागज पे लिखने की हिम्मत तो की। तुमसे तो मैं खुद उगलवा लूंगी, पक्का सबूत है मेरे पास। हाँ यही है लावण्या, खेल धूप छाओ का देखती है लावण्या, आए जाए रुत कोई खिल रही है।